हेलो गाइस, वेलकम टू द्रोणा अकेडमी। सो आज के लेक्चर का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट इज़ व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो इसके बेसिक दो रीज़न होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न एंड द अनदर वन इज़ द मोरल रीज़न। तो अब हम देखेंगे प्रूडेंशियल रीज़न मतलब क्या होता है। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब ये होता है कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आप चेक करते हैं कि अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो डेफिनेटली कि अगर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो किसी सोशल ग्रुप के बीच में, तो किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को फ़ायदा नहीं होता है लॉन्ग रन के अगर अंदर अगर हम लोग देखें तो। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप जो रहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आते ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उनको पता होती है कि अगर वो लोग लड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें दोनों का लॉस है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ पर वायलेंस होगा, लड़ाई झगड़े होने, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। सेकेंड हम लोग देखेंगे, इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब क्या होता है कि अगर माइनॉरिटीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है वापस से यहाँ पर, कि माइनॉरिटीज़ को अगर आप इंक्लूड करके गवर्नमेंट में लेके अगर आप साथ में कंट्री को रन करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं देंगे। और अगर वो लोग दिक्कत नहीं दे रहे हैं तो देयर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में वर्क कर सकती है फॉर इट्स टेन्योर, जितना भी टेन्योर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो 5 साल है, तो अगर कोई भी माइनॉरिटी या कोई भी सोशल ग्रुप निकल के नहीं आता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने टेन्योर में आराम से काम कर सकती है। तीसरा, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको ऐसा लगता है एज अ मेजॉरिटी, अगर आप मेजॉरिटी को बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी सोशल ग्रुप को, तो आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि भैया नहीं, हम लोग ही सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आराम से कंट्री को गवर्न कर लेंगे, आने वाले टाइम में देखा जाएगा जो भी होगा। तो ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट रन में वो चीज़ें आपको सही लग सकती है लेकिन वो सही होती नहीं है, क्योंकि अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था सीधा सा श्रीलंका में, जहां पर सिंहला 74% का कंप्राइज करते थे। तो भले वो 74% में थे लेकिन वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट बना लेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम तमिल्स को जो है वो थोड़ा सा एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट में से, पर ऐसा नहीं हुआ था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ही नहीं। नाउ सेकेंड, द मोरल रीज़न। अब मोरल रीज़न द वर्ड इट्सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि मोरल होता क्या है, मतलब एक अंदर का आपकी एक भावना आती है ना कि नहीं, हमको ऐसा सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में, तो वही चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे, तो पहली चीज़ उसने बोली है दैट द पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। बहुत सही बात है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी मतलब होता क्या है। मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है वो दावा करती है कि भैया हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको पावर शेयर करना ही पड़ेगा, एज अ मोरल रीज़न उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना। आप एक तरफ बता रहे हैं कि नहीं भैया हमारी डेमोक्रेसी है, और अगर आप पावर शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो पावर शेयर हम एक्चुअली करते किसके साथ में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो पावर शेयर हम उसके साथ में करते हैं किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इफेक्ट होने वाला है किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से, गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो है कंट्री का वो अगर इफेक्ट करता है, मतलब उसके साथ में हमको पावर शेयर करनी है। आप कुछ ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेचर में बिल पास करा, अब उस बिल की ऑथेंटिसिटी जो है वो कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा। तो पावर जो है वो इक्वल लेवल पे शेयर होनी चाहिए लेजिस्लेचर के पास में भी और जुडिशरी के पास में भी, तभी तो दोनों अच्छे से काम कर पाएंगे। सेकेंड, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो आपको अगर ये समझना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए।
अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डॉक्टर अगर आपको दो ऑप्शन देता है, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है कि आप भैया टेबलेट से भी ठीक हो सकते हैं, और आपसे पूछता है वो, या फिर हम इंजेक्शन दे के आपको फटाफट ठीक कर दें, तो वही चीज़ निकल के आती है कि एक कंसल्ट करा गया है ना आपसे। वो अगर चाहता तो डायरेक्टली आपको इंजेक्शन दे के भी चीज़ें कर सकता था, लेकिन नहीं, एक उसका मोरल था, मोरल रीज़न है कि पूछ लेते भैया एक बार हम पेशेंट से भी कि क्या है। तो सेम चीज़ कंट्री में भी होती है, पीपल जो रहते हैं कंट्री के उनको पूरा राइट रहता है कि उनसे कंसल्ट करा जाए कि आपको किस तरीके से गवर्न करा जाएगा। तीसरा, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट मतलब होता है कि लॉफुल गवर्नमेंट, जो बिल्कुल एकदम लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही गवर्नमेंट है। तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी होती है जब सिटीजन का पूरा के पूरा पार्टिसिपेशन होता है। मतलब सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, किसी माइनॉरिटी को आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे तभी तो आपका जो है वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो यही चीज़ होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आपकी तभी गवर्नमेंट बनेगी जब सारे सिटीजन्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। दैट वॉज योर मोरल रीजन। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ पुराने टाइम में एक कन्वेंशन फॉलो होता था कि जितना ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज होगा उतना ज़्यादा बेटर कंट्री गवर्न करने वाला है। मतलब ऐसा होता था कि अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन दिखाया, पावर को लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक अगर आप लेके गए, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उन सारी चीज़ों को हटा के एक सेंट्रलाइजेशन पावर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर केवल एक ग्रुप ऑफ पीपल ही रहेंगे जो कि तय करेंगे कि क्या पूरी कंट्री में होने वाला है। लेकिन ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के टेक मेनी फॉर्म्स, तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं उसके, और उनके कुछ फॉर्म्स अब हम देखेंगे। पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, ये सब तो हमको पता ही है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सब एक ही लेवल पे है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, तो और पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब सच ए सेपरेशन एनश्योर्स दैट नन ऑफ दी ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब इससे एक चीज़ पता चलती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर। अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो डिसाइड करते हैं, मतलब वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होना चाहिए। मतलब एक एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए लाइबल होता है। अब जुडिशरी जो है वो चेक करती है कि जो लेजिस्लेचर में बिल पास हुआ है क्या वो सही है या गलत है। तो चीज़ें जो है वो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम पे चलती है। मतलब बिना एग्जीक्यूटिव के जुडिशरी पॉसिबल नहीं है, और बिना जुडिशरी के इंटरवीन करते हुए कि क्या बिल सही है या गलत है, लेजिस्लेचर के बिल जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। फाइनली, ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। नाउ सेकेंड पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स एट द डिफरेंट लेवल्स। अब क्या होता है कि लेवल अलग अलग हो सकते हैं, दैट विल बी योर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे कि मैं अगर बात करूंगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर एक लोकल गवर्नमेंट है, तो ये सब सेम लेवल पे नहीं है, इनके लेवल अलग अलग है। अब अलग अलग लेवल है फिर भी पावर शेयरिंग तो नेसेसरी है, तो हम लोग इस पे भी पावर शेयरिंग करते हैं। अब इसको हम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसा कि हम लोगों ने बेल्जियम के केस में देखा था कि देयर वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिला था, एक स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव होके आ रही थी कहीं ना कहीं, तो चीज़ें जो है वो इक्विवेलेंट वे में चल रही है। पर ये जो स्टेट गवर्नमेंट की बात है ये हर कंट्री में फॉलो नहीं करा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। नाउ दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आस वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग से जिक्र करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उसकी पावर कैसी होनी चाहिए,
अब लोकल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992 एंड 99 इन द ईयर 1992, तो वहाँ पर भी ये कि एक लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, जिसको आप पंचायती राज के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि हमको किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी अभी हमने बात करी थी, दैट इज द म्यूनसिपैलिटी एंड द पंचायत। नाउ दिस डिवीजन ऑफ पावर विल बी द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और हम इसके बारे में अगले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो अलग अलग सोशल ग्रुप भी होते हैं, उसमें से कुछ रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करे गए। नाउ द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? एक गवर्नमेंट वो थी जहाँ पर कुछ डेलिकेट अगर इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के बेसिस पे अगर कुछ करना है, एजुकेशन के बेसिस पे करना है, कल्चर के बेसिस पे अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो कम्युनिटी जो गवर्नमेंट थी वही डिसीजन लिया करती थी। नाउ इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझिए बात को कि ऐसा बहुत बार होता है। अब जैसे कि अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँगा, देर इज एन अदर बैकवर्ड क्लास सोसाइटी एंड ऑल्सो द डिप्रेस क्लास, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा चांसेस नहीं मिले हैं फ्रंट में आने के लिए और गवर्नमेंट के साथ में काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं, रिजर्वेशन मतलब ये था कि वो लोग जो हमसे पीछे थे वो अब हमारे लेवल में आके आगे काम करने वाले हैं। सो वीमेंस को भी, जैसे कि आपको पता है कि लेजिस्लेचर में 1/3 का प्रोविजन दिया गया है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी इन द असेंबली, जिसकी अभी अपन ने बात करी है कि एक कंस्टिट्यूएंसी हम लोग रिजर्व कर देंगे कि भैया यहाँ से केवल वीमेन कंटेंडर खड़ा हो सकता है या फिर पर्टिकुलर डिप्रेस क्लास से कोई खड़ा हो सकता है। तो ये सारे एक्शन गवर्नमेंट इसीलिए लेती है ताकि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना रहे सोसाइटी के अंदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, अदरवाइज इट वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो गवर्नमेंट के साथ कभी फंक्शन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से ही आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सोशल ग्रुप के साथ भी पावर को डिवाइड करा गया है। नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि अब आपको ये तो पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। नाउ व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? तो प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, तो इनका एक ग्रुप था, तो ये ग्रुप था वो प्रेशर डाल रही थी गवर्नमेंट पे कि कैसे भी करके आपको रिवर को बचाना है। तो कहीं ना कहीं जो पावर है वो गवर्नमेंट ने ही इनको दी थी कि वो अगर कुछ कहीं गलत हो रहा हो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको बता सकता है कि ये चीज़ें गलत हो रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो चिपको मूवमेंट हुआ था, या फिर जो वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा होता है तो वो लोग आगे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप आपका वर्क करता है। तो इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अब डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा जो आपके पीपल रहते हैं वो फ्री रहते हैं। अब हमको पता है कि एज अ मैटर ऑफ चॉइस हमारे पास जब हम लोग इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास एक चॉइस रहती है कि हमको किसको पावर में लेके आना है। तो जो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा हम उसको ही पावर में लेके आते हैं। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। तो डिफरेंट पार्टीज़ जो रहती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, मतलब लोगों का हेल्प करती है वहाँ पर, उनको डेफिनेटली अगर किसी सिचुएशन में होते हैं या फिर अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के वजह से लोगों का भला ही होता है कि लोगों के लिए जितना अच्छा काम करने वाली है कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वही जीत के आने वाली है। सच कंपटीशन एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड।
इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप. तो लॉन्ग रन में अगर हम लोग देखेंगे तो पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में शेयर करी जाती है. जैसे कि अगर मैं कोलिशन गवर्नमेंट की बात करूंगा, आपको पता है कि लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इन बाय कोलिशन गवर्नमेंट. तो ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब एक किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती है किसी इलेक्शन में, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आके वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. तो कहीं ना कहीं पावर उसने डिस्ट्रीब्यूट करी है. अपनी जो पावर है जो मेन गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए चाहिए थी वो उसने किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को दी है और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करा है. Now, if their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest group also, such as ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो जो बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन पे, या फिर उनके वो गवर्नमेंटल कमेटी के अंदर लिया जाता है ताकि कोई भी अगर मेजर डिसीजन लिया जाता है तो इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहता है. तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने देखा है कि जो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स है इससे आपका कहीं पर भी लूप होल नहीं बचता है. ऑन एन एवरेज सारे ग्रुप ऑफ पीपल है, सारे सोशल ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे, सेम लेवल पे, तो यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है पूरी बैलेंस तरीके से चलती है और कहीं पे भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है. सो दैट्स इट, दैट वॉज योर चैप्टर. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, हैव अ नाइस डे.